अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं Realme 5 का रिव्यू, जिसमें हम करेंगे Realme 5 का कैमरा टेस्ट, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके बेंचमार्क टेस्ट और ओवरऑल हम इसका Realme 5 का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिससे आपको आइडिया जाएगा कि Realme 5 की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। इसके रिव्यू की तरफ मूव करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन और होगा, उस पर क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन का, उसको भी टर्न ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लेटेस्ट मोबाइल प्राइसेस, अपडेट्स, अलर्ट्स, रिव्यूज और न्यूज के लिए अभी प्ले स्टोर पर जाएं और हमारी व्हाट मोबाइल की ऐप को डाउनलोड करें और रहें अपडेट। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा और आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं Realme 5 की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। और Realme 5 के पाकिस्तानी मार्केट में तीन वेरिएंट अवेलेबल हैं। इसका जो पहला वेरिएंट है वो है 3GB 64GB वाला वेरिएंट, ये आपको ऑनलाइन यानी कि दराज पर अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस टैग है वो 24,999। और इसका जो दूसरा वेरियंट है वो है 4GB 64GB वाला वेरियंट, ये हमारे पास मौजूद है इसका और ये जो है आपको मिलेगा लोकल मार्केट में। इसकी जो प्राइस टैग है वो 25,999। और इसका जो तीसरा वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट और ये भी आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा और उसकी जो प्राइस टैग हुआ है 31,999। और अब बात कर लेते हैं Realme 5 के डिज़ाइन की। ये जो फ़ोन है इसकी बैक पे आपको मिलती है ग्लॉसी फिनिशिंग और इसकी बैक पे आपको ग्रेडियंट कलर के डिज़ाइन दिया गया। उसकी बैक पे आपको जो पैटर्न दिए गए, इसमें डायमंड लाइक पैटर्न दिए गए, इसमें आपको डुअल कलर के शेड दिए गए, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट करके आपको शेड प्रोवाइड कर देगा। और मेरे पास जो ये फ़ोन का कलर है वो क्रिस्टल ब्लू कलर है। उसकी जो बैक है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी की है और इसके बैक पे आपको काफ़ी खूबसूरत जो है डिज़ाइन दिया गया है। इसकी बैक पे आपको इसके क्वाड कैमरा सेटअप भी दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा है इसकी बैक वो है 12 MP का 1.8 के साथ। इसका दूसरा कैमरा है 8 MP का वाइड एंगल लेंस है और इसका जो तीसरा कैमरा है 2 MP का माइक्रो लेंस और इसका चौथा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर है। इसके कैमरे में आपको AI की भी सपोर्ट दी गई, इसका LED फ्लैश दिया गया है और उसके बैक पे आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया और नीचे आप देख सकते हैं Realme 5 की ब्रांडिंग हुई है। और इसका जो फ्रंट पैनल है उस पर आपको मिलता है इसका 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले और इसमें आपको नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है और इसकी नॉच में आपको मिलता है इसका 13 MP का सेल्फी कैमरा। इसके ऊपर इसके 8 पीस हैं और इसके फ्रंट पैनल पे आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन और इसके डिस्प्ले में आपको प्री इंस्टॉल प्रोटेक्टर भी दिया गया है और उसके डिस्प्ले में आपको जो रेजोल्यूशन दिया गया हुआ है HD+, यानी कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वह 720x1600 की में आपको रेजोल्यूशन दी गई है। उसमें आपको जो पिक्सल डेंसिटी दी गया हुआ है 268 PPI और इसमें आपको जो बेजल्स हैं वह भी कम दिए गए। इसमें आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है Realme 5 में वो है 89%, जिसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है। उसका जो बेजल है वो भी काफ़ी कम दिए। उसका जो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है, आप इसके डिस्प्ले को डायरेक्ट सनलाइट में इजीली यूज़ कर सकेंगे। और उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके कुछ और मजीद स्पेक्स ही। Realme 5 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट, जो कि 11 nm का चिपसेट है। उसके ऊपर आपको मिलता है 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसमें आपको जो GPU दिया गया जो काफ़ी परफॉर्मेंस को टैकल करता हुआ है, Adreno 610 का है और इसमें आपको 4GB 64GB दी गई है इसमें आपको। और इसमें आपको जो बैटरी दी गई है उसका की फीचर है, इसमें को आपको मिलती है 5000 mAh की काफ़ी ह्यूज बैटरी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा बैकअप प्रोवाइड कर देगी। और इसमें आपको जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 यानी कि एंड्रॉयड पाए है, उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी की भी ऑप्शन दी गई है। उसमें आपको जो सेंसर दिए गए उनमें आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और जायरोस्कोप सेंसर भी दिया गया है। और अब हम मूव करते हैं Realme 5 के बेंचमार्क स्कोर की तरफ और हमारे पास जो Realme 5 के जो बेंचमार्क स्कोर आए हैं वो हैं 4GB 64GB वाले वेरियंट के हैं, स्कोर आए हैं वह 1,68,057। अब बात कर लेते हैं Realme 5 की गेमिंग परफॉर्मेंस की। इस फ़ोन में जो मैंने गेम रन की उनमें PUBG मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी, और आप Realme 5 में कॉल ऑफ ड्यूटी को हाई फ्रेम रेट और हाई ग्राफिक सेटिंग पर रन कर सकेंगे और आप PUBG को लो ग्राफिक सेटिंग पर ही खेल सकते हैं। लेकिन इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे, आप PUBG को काफ़ी ईजीली इस फ़ोन में रन कर सकेंगे। आपको
गेमिंग के दौरान कोई फ्रेम ड्रॉप्स और कोई लैगिंग शो नहीं होगा। आप इजीली इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में आपको जो चिपसेट दी गई है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 की है, जो कि 12 नैनोमीटर की चिपसेट है। और इसकी प्राइस के रेंज के हिसाब से जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको गेम स्पेस का यानी कि गेम बूस्ट का भी ऑप्शन दिया गया इस फ़ोन में, जिससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती है। इस फ़ोन में आपको 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। आप इसकी स्टोरेज को मजीद बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट की स्पेस दी गई है। इस फोन में आपको जो बैटरी दी गई है इसका प्लस पॉइंट है, इसका की फीचर है। इसमें आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी दी गई, जो कि आपको काफ़ी अच्छा बैकअप भी देगी। आपको गेमिंग के दौरान जो है बैकअप का इशू नहीं होगा, आप काफ़ी देर तक इस फोन में गेमिंग कर सकेंगे। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं Realme 5 के कैमराज की। आपको इसके फ्रंट पैनल पे मिलता है इसका 13 MP सेल्फी कैमरा, और इसकी बैक पे आपको मिलता है इसका क्वाड कैमरा सेटअप। इसका जो मेन कैमरा है Realme 5 का वो है 12 MP का, और इसका दूसरा कैमरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिससे आप वाइड एंगल वाली पिक्चर्स रिकॉर्ड कर सकेंगे। और इसका तीसरा कैमरा है 2 MP का माइक्रो लेंस है, जिससे आप माइक्रो शॉट क्लिक कर सकेंगे। और इसका जो चौथा कैमरा है 2 MP का डेप्थ सेंसर है पोर्ट्रेट के लिए, जिसका एलईडी फ्लैश दिया गया। उसके कैमरे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट दी गई है, और आपको Realme 5 में जो इसमें कैमरे में मोड दिए गए हैं, मैं आपको वो भी क्विकली बता देता हूं। आपको इसके कैमरे में जो मोड गए उनमें आपको वीडियो मोड जो दिए गए, उसमें आप 1080p रेजोल्यूशन तक आप इसके कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फ्रंट और इसके बैक कैमरे से। और इसके अलावा इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस फोन में आपको जो मोड दिए गए, इसमें आपको नाइटस्केप मोड दिया गया, पैनोरामा मोड दिया गया, एक्सपर्ट मोड दिया गया, टाइम लैप्स मोड दिया गया, स्लो मोड दिया गया, और अल्ट्रा माइक्रो मोड भी दिया गया। और इसके फोटो में आपको HDR मोड और इसके अलावा क्रोमा बूस्ट और वाइड एंगल का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। उसमें आपको एक और अलहदा से एक आपको पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया इस फ़ोन में। इसके इस कैमरे का जो सैंपल्स हैं आपके स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे होंगे, इसके कैमरे के सैंपल जो हमने क्लिक किए हैं। और इसका जो नाइट मोड है वो बहुत ही कमाल का है। इसके नाइट को मोड को मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा मैं इसके कैमरे से सैंपल्स क्लिक किए हैं आपके साथ में। इसके नाइट मोड के जो फोटोग्राफी है मैं आपके साथ 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 शेयर कर दूंगा इसके सैंपल्स। उसके जो फ्रंट कैमरे के जो सैंपल्स हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। इसके बैक कैमरे के पोर्ट्रेट और पैनोरामा शॉट सारे सैंपल्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि Realme 5 का कैमरा सेटअप कैसा है। और मुझे इसकी जो प्राइस टैग के हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप और इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं Realme 5 के फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस की। मैंने इस पर अपना फिंगरप्रिंट जो है ऑलरेडी ऐड कर दिया है, इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी है। आपको इसके बैक पे जस्ट टैप करना है और ये आपके फिंगरप्रिंट को काफ़ी क्विकली जो है रिस्पॉन्स करता है। इसका जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आप जब इस पर टैप करेंगे तो ये आपके फिंगरप्रिंट को जो है रिस्पॉन्स करेगा, आपके फिंगरप्रिंट को कभी जो है ये मिस नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है Realme 5 का फिंगरप्रिंट। और इसमें आपको फेस अनलॉक भी फीचर दिया गया, आप दोनों को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारा Realme 5 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे मजीद रिव्यूज और अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन पर उसका भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, दिस इज मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट मोबाइल रिव्यूज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।